सपा में आने के लिए तैयार बीजेपी विधायक, जल्द बीजेपी विधायक की होगी सपा में एंट्री। अखिलेश यादव से मिलने के लिए घंटों किया इंतजार, विधायक के पति पहले ही सपा में हो चुके हैं शामिल। देखिए कौन सी महिला विधायक सपा में होगी शामिल, देखिए कहां से लगने वाला है बीजेपी को बड़ा झटका, देखिए कौन है बीजेपी विधायक और उनके पति। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में नए नए नेताओं की एंट्री का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब होती है जब सिटिंग विधायक और उनका परिवार किसी और दल में एंट्री लेने के संकेत दे। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की मौजूदा महिला विधायक ने सपा में जाने के पूरे संकेत दिए हैं। सपा में जाने के प्रबल संकेतों के बीच बीजेपी की महिला विधायक अखिलेश यादव से मिलने के लिए घंटों इंतजार करती रहीं। ऐसे में जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बीजेपी खेमे में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि ये तो एक शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सपा में और भी बीजेपी के सिटिंग विधायकों की आमद बढ़ेगी। हम जिस महिला विधायक की बात कर रहे हैं वो बहराइच जिले की नानपारा से ताल्लुक रखती हैं और उनके पति पहले ही सपा में घर वापसी कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले भी सपा के साथ ही हुआ करते थे। पति के घर वापसी करते ही अब मौजूदा विधायक माधुरी वर्मा भी सपा में जाने के लिए बेकरार दिखाई दे रही हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा बंजारन टाड़ा गांव में तब मौजूद रही जब सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा ने इंतजार किया और फिर अखिलेश यादव के पहुंचने पर साथ जाकर किसानों के पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। ऐसे में राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है, कयासों का दौर भी जारी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा में मृत किसानों के परिवार से मिलने बहराइच पहुंचे थे। नानपारा के बंजारन टाडा गांव में उन्हें सबसे पहले जाना था, यहां पर बीजेपी की विधायक माधुरी वर्मा पहले से मौजूद थी। जैसे ही अखिलेश यादव गांव में पहुंचे वो उनके साथ ही पीड़ित परिवारों के पास मिलने पहुंची। बीजेपी विधायक के पति और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अपनी बेटी को टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी पहले ही छोड़ चुके हैं और सपा के साथ हैं। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आने पर माधुरी वर्मा सपा का दामन थाम सकती हैं। कयासों का दौर जब से शुरू हुआ है तब से बीजेपी विधायक के कार्यालय से लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय तक हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी खेमे में सन्नाटा इस बात को लेकर भी है कि अगर सिटिंग विधायक ने पाला बदला तो फिर पार्टी की छवि कमजोर साबित होगी और इसका फायदा सपा को मिलेगा। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस बार सपा की मजबूती को कोई टक्कर नहीं दे सकता और माधुरी वर्मा अगर सपा में आने के लिए तैयार हैं तो फिर उनका पार्टी में खुले दिल से स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।